हेलो एंड नमस्कार। राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो स्वागत के लिए आते हैं, जैसे ही स्वागत हो जाता है वो चले जाते हैं। तो जिनका सिलेक्शन जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, जिनके मन में ये है कि नहीं मेरे को तो सिलेक्शन पाना है, वही इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में हम। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि संभावित अंक बार क्या रहने वाला आपके एग्जाम में। अंक बार जिन लोगों ने पहले कॉम्पिटिशन के एग्जाम दिए उनको तो पता है कि अंक बार होता क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि अंक बार क्या होता है। थोड़ा सा उसको समझ लीजिए आप लोग कि अंक बार होता क्या है। देखिए, अंक बार का मतलब है कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडिया जीके के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये होता है अंक भार। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट के कितने अंक एग्जाम में डिफाइन है। ये आरएसएम एसएसबी ने तो हमें बताया नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है। अगर आप अंक भार को समझ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अंक भार को बिना समझे तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप 6 घंटे पढ़ लो चाहे आप 12 घंटे पढ़ लो। अब यहाँ देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने हर दिन 3-3 घंटे तैयारी करी है, मान लीजिए 3 घंटे आपने मैथमेटिक्स को दिए और 3 घंटे आपने जीके को दिए। एग्जाम में आपको पता चला कि जीके में से 40 क्वेश्चन आ गए और मैथमेटिक्स में से ओनली 10 क्वेश्चन आए। अब वहाँ पर एग्जाम में आपको बहुत बड़ा दुख होगा कि यार मैंने 3 घंटे मैथमेटिक्स को दिए यानी गणित को दिए, उसमें से तो खाली 10 क्वेश्चन आए हैं, और राजस्थान जीके को भी मैंने 3 घंटे दिए इसमें से 40 क्वेश्चन आए हैं। इससे अच्छा होता कि मैं मैथमेटिक्स को कम टाइम देता और राजस्थान जीके को अधिक टाइम देता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते। यही लॉजिक होता है अंक भार का, और जिन लोगों को ये लॉजिक समझ में आ जाता है उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है कि रीजनिंग आएगी या फिर नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आरएसएम एसएसबी ने पाठ्यक्रम जारी किया तो उसमें आपको क्या बताया, आप सबको पता, आप सबने चेक किया होगा ये, कि ओनली सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं कि 12th लेवल और 10th लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है, 12th का वनपाल और 10th लेवल का वन रक्षक का एग्जाम। इसमें आपको खाली सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी, ये आपको चीज़ें दी हुई है। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इसकी मांग करते हैं कि हमें एग्जाम पैटर्न जारी करके दें या अंक भार जारी करें, तो शायद आरएसएम एसएसबी को करना भी ये पड़े, लेकिन आई थिंक आप लोग एकजुट होके करेंगे नहीं, और जब तक नहीं करेंगे तो जारी नहीं होगा। अगर आप करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, आपको थोड़ा सा आंदोलन वगैरह कुछ करना पड़ेगा, जैसे ही कोविड की ये सिचुएशन चली जाए उसके बाद में देख लेना। और हो सकता है आरएसएम एसएसबी एग्ज़ाम के नियर बाई जो अंक बार है वो भी जारी कर दे, क्योंकि ऐसा होता भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि संभावित अंक बार क्या रहेगा। मैं आपको संभावित बताऊंगा, आरएसएम एसएसबी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए, और फिर रीजनिंग की बात करेंगे कि रीजनिंग आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई भाई बंधु अभी कमेंट करेगा कि सर पिछली बार ये हुआ था, उस वैकेंसी में ये हुआ था, इस वैकेंसी में ये हुआ था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता था, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, अब कौन करवाएगा, आरएसएम एसएसबी करवाएगा, तो रात दिन का फर्क होगा, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न में, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंडिया जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें तो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। एवरीडे साइंस की बात करें तो एवरीडे साइंस में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का तो यही फंडा रहता है, 10-12 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ना ज़्यादा ना कम, तो 10-12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बन जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100, और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें 1/3 की है आई थिंक। तो अब देखिए, रीजनिंग आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके सिलेबस में एंड में लिखा आदि यानी एटसेट्रा, एटसेट्रा में क्या रीजनिंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि डेफिनेटली रीजनिंग आएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अगर रीजनिंग, पहली बात तो ये कि संभावना काफ़ी कम है,
दूसरी बात समझिए, अगर रीजनिंग आएगी तो वो रीजनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो पूछे जाएंगे कहाँ पर, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में। यानी यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं, यहाँ हो सकता है 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएं और 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के 10 15 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर ऐसा होता तो पाठ्यक्रम में ये आरएसएम एसएसबी को लिखना पड़ता कि हम रीजनिंग पूछेंगे, आदि के अंदर डालकर आपसे 15-20 क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा भी बन जाता है अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग के ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। खाली 5 सवाल तक आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी इतने बेसिक पूछे जाएंगे कि उतनी ज़्यादा तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिक आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं खुद आपको रीजनिंग को तैयार करवा दूंगा। बाकी आपने देखा है कि जो लोग लंबे समय से चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है और एवरीडे साइंस के कुछ वीडियो लेक्चर भी मैंने अपलोड किए हैं, वीडियो सेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और आगे के लिए जुड़ भी जाना। और एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके ऊपर वनरक्षक वनपाल के लिए स्पेशल वो बनाया हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बीच में काफ़ी लंबा समय तो क्या कहेंगे, बीच में कुछ दिन हो गए कि मैंने वनरक्षक वनपाल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा, लगभग 4 से 5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, तो जल्दी ही आपकी वापस तैयारी शुरू करवाएंगे। जो लोग पहले से जुड़े उनको शिकायत भी होगी इस बात को लेकर, तो डरिए मत, करवाएंगे, शुरू करवाएंगे, लेकिन आप अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा और तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। जैसे मैंने आपको अंक भार बताए हैं, आप उस अंक भार के अनुसार ही आप तैयारी कीजिएगा। पहले जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है आप उसको तैयार कीजिएगा, और बाद में आप जो वीक सब्जेक्ट है आप उसको तैयार कीजिएगा। बाकी राजस्थान जीके थोड़ा अच्छे से कर लीजिए और मैथमेटिक्स को थोड़ा अच्छे से अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। एवरीडे साइंस में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, आप आराम से कर लेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आपको लास्ट में ही पढ़ना है, अभी पढ़ने का ज़्यादा कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ। वैसे डेली आप करंट अफेयर पढ़ते ही हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और भी आप हो सकता है टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, वीडियोज़ देखते हो, तो करंट अफेयर्स आप तैयार करते रहिए। क्या आएगा करंट अफेयर्स में, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो सेशन में बताऊंगा कि क्या क्या आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, और इंडिया जीके में मोस्टली आपसे क्या पूछा जा सकता है ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो सेशन में बताऊंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करके जाए और कमेंट में कुछ तो लिखे यार, कुछ तो लिखो वीडियो के बारे में।